नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज लालकुआ हल्द्वानी के बीच बन रहे हाईवे पर अकेले ही बैठकर अपना धरना प्रदर्शन किया। हरीश रावत उपचुनाव के प्रचार करने के लिए चंपावत गए थे, जहां से देर रात हल्द्वानी पहुंचने पर रात को सर्किट हाउस में रुके हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक उनका काफिला लालकुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां हाईवे में जगह जगह पड़े गड्ढों पर हरीश रावत ने नाराजगी जताई और अपनी गाड़ी से उतर कर अकेले ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद हरीश रावत आगे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी बरेली नेशनल हाईवे में जगह जगह बने हुए गड्ढों की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का इस महत्वपूर्ण सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए इस सड़क में काम हुआ था, लेकिन अब फिर से वो काम ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अगर 15 जुलाई तक सड़क का काम शुरू नहीं किया गया तो वो पूरे दिन के लिए इस हाईवे पर धरने पर बैठ जाएंगे। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।